बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म की बात करें तो मरजामा मूवी जो है काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। और अगर हम बात करें इस मूवी की तो रिसेंटली इस मूवी का जो ट्रेलर है हमारे सामने आ चुका है, यानी मरजामा का ऑफिशियल ट्रेलर जो है आ चुका है हमारे सामने और फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की स्टारकास्ट की तो उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख के अलावा हमें रकुलप्रीत सिंह और तारा सुतारिया भी नजर आने वाली है। इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 8 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, यानी कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी फाइनल कर ली गई है और फाइनली ऑडियंस का इंतजार खत्म हो जाएगा 8 नवंबर को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आ जाएगी। इसके अलावा बात करें डायरेक्शन की तो बाकमाल डायरेक्शन दी है मिलाप जावेरी ने, जैसा कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने से पता चलता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में रितेश देशमुख जो है वो एक अलग से कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, यानी 3 फिट के आदमी का कैरेक्टर निभाने वाले हैं रितेश देशमुख और नेगेटिव शेड के कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं इस बार रितेश देशमुख। वहीं अगर हम इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से जिसमें कहा गया है कि मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे और मदद भी मिलेगी, चाहे आप अली से मांगो या बजरंग बली से। यानी ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस जो यूनिटी है उसके बारे में भी बहुत चीजें दिखाने वाली है। ये फिल्म और क्या क्या मैसेज देती है, कितनी अच्छी लगती है, ये तो 8 नवंबर यानी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ऑडियंस का रिस्पांस जो है काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है इस फिल्म के ट्रेलर को, जो कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। वहीं कमेंट सेक्शन की बात करें तो कमेंट सेक्शन में रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफें बहुत ज्यादा हो रही है। ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो चुके हैं इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। और अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो 8 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है।